all, Dr. Nazish Hasan, going to discuss about the consumer buying behavior. Usse pehle, I hope you all must be enjoying at your home. But saath-saath mein, I would like to make an appeal to all of you ki please try to donate chapati, rice, whatever is there with you to needy one. रास्ते में हर जगह पे अपने अड़ोसी पड़ोसी में कहीं ना कहीं लोग हैं, उनकी ज़रूरत है. अगर सभी लोग कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं लोगों को, तो इस मुश्किल घड़ी में हम लोग बच के निकल जाएंगे. एंड आई होप एक अच्छी चीज़, एक पुरानी कहावत है कि वक्त जो है गुजर जाता है, तो ये बुरा वक्त है, अच्छा वो भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त जल्दी आएगा. कमिंग टू पॉइंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर कैसे किसी प्रोडक्ट को परचेस करता है और क्यों करता है. तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज स्टडी हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन टू स्पेंड हिज मनी, हिज रिसोर्सेज टू बाय समथिंग. मेरे को कुछ खरीदना है एंड आई वॉन्ट टू बाय समथिंग. अब मेरे बाइंग का पैटर्न क्या है और कंपनीज इसको फोकस क्यों करती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच नॉर्मली यूज. बेसिकली कोई भी कंपनी इसको इसलिए फोकस करती है क्योंकि जब तक आप कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को नहीं समझेंगे, यू कैन नॉट कम इन टू द मार्केट. तो उसके लिए कंपनी खास तौर पे रिसर्च एजेंसीज को, ऑपरेटर्स को, कंसल्टेंट को हायर करती है कि टू गेट सम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसके पैटर्न, उसके बाइंग बिहेवियर को समझ सके और साथ साथ में वो प्रोडक्ट को बेच सके. आते हैं तीन तरीके के फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कई बार ये सवाल आता है एग्जाम्स वगैरह में कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. तो इसमें तीन तरीके के फैक्टर्स हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको आई थिंक हो सकता है इस वीडियो को आपको दो पार्ट में देखना पड़े क्योंकि दूसरे पार्ट में भी और डिटेल से आएगा कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है क्या नहीं. कमिंग टू द पॉइंट, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, तीन फैक्टर होते हैं. पहला कल्चरल, दूसरा सोशल, तीसरा साइकोलॉजिकल. व्हाट इज कल्चरल फैक्टर? कल्चरल फैक्टर इज कल्चरल स्ट्रक्चर फैक्टर एंड सोशल क्लास. कल्चरल फैक्टर में ये तीन चीजें आती हैं. कल्चरल जो आपकी संस्कृति है, जैसे अभी हमारे देश में छठ की पूजा होने वाली है, बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है, पूरा देश इसको सम्मान पूर्वक मनाता है. अब इस टाइम पे कल्चरल फैक्टर ये है कि इस टाइम पे खाद्य सामग्रियों की, खासतौर पे फल की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में. सो दिस इज कल्चरल फैक्टर. दूसरा स्ट्रक्चरल फैक्टर. स्ट्रक्चरल फैक्टर ये होता है लाइक आपका जो स्ट्रक्चर है, जो भी चीजें हैं उस तरीके से आप उसको मैनिपुलेट करते हो. तीसरा फैक्टर सोशल क्लास. सोशल क्लास होता क्या? सोशल क्लास बेसिकली हम लोग चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. अपर क्लास आपको पता है कि इंडिया में बहुत कम परसेंटेज है इनकी, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में इनकी परसेंटेज काफी कम है. दूसरा है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं. इनकी बाइंग कैपेसिटी, इनका बाइंग बिहेवियर अलग है कंपेयर टू लोअर क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास से. तीसरे हैं मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जो आप, मैं या काफ़ी बड़ी परसेंटेज पे आती है मिडिल क्लास में, जिनकी बाइंग बिहेवियर बिल्कुल अलग है. ये थोड़े तंगहाल भी होते हैं और थोड़े खुश भी होते हैं. ये चाहते हैं कि शॉप भी करें, प्रोडक्ट को परचेस भी करें और साथ साथ में प्रोडक्ट को स्पेंड, आई मीन अपनी इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए अपने लैविश लाइफ की तरफ बढ़े. लास्ट क्लास है लोअर क्लास. लोअर क्लास वो क्लास है जिनका बाइंग बिहेवियर, बाइंग पैटर्न अलग होता है. अब मैं एक एग्जांपल से, रिलेवेंट एग्जांपल से बताता हूँ आपको. 20 केजी चावल मिडिल क्लास हर महीने अपने परिवार पे के लिए ले के जाता है. चावल कब होगा, चावल मतलब वो एक स्टॉक रखता है. अपर मिडिल क्लास वो एक डेढ़ महीने के लिए स्टॉक रखता है, बट उसके स्टॉक में जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो मिडिल क्लास, वो उससे ऊपर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करता है, ऊपर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करता है. अपर क्लास वो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, वो स्टॉक के बारे में नहीं सोचता है, वो अपना स्टॉक ऑलरेडी उसके एम्प्लॉयज, उसकी टीम जो उसके साथ रहती है, वो अरेंज करके रखती है. लोअर क्लास वो जो पर डे या वीक में, दो दिन में, तीन दिन में जो प्रोडक्ट को बाई करता है, दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है दैट इज सोशल क्लास. सोशल, जैसा मैंने आपको बताया, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को, तो सोशल क्लास इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो काफ़ी इफेक्ट उसमें डालता है. इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं, रेफरेंस ग्रुप, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप एंड सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस इसमें बेसिकली एक ही ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप.
प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप कौन सा होता है और सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप कौन सा होता है, विल बी डिस्कसिंग इट। बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश करो, रेफरेंस ग्रुप होता क्या है। आप किसी भी बड़े मॉल का नाम ले लो, बिग बाजार हो, रिलायंस मॉल हो, या इस तरीके की चीज़ें हैं, वो मेंबरशिप रेफरेंस देते हैं, मेंबरशिप कार्ड आपको देते हैं। तो मेंबरशिप रहता है तो आप कई बार कोई प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो भाई मेरे कार्ड से खरीद ले, मेरे को कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। दूसरा एस्पिरेशन ग्रुप, ये काफ़ी एस्पिरेशन रखने वाले होते हैं, ये बोलते हैं मेरा इमेज बनेगा, मेरी क्लास बनेगी, वो चीज़। तीसरा डिस्क्लेमेंट ग्रुप, और चौथा अवॉइडेंस ग्रुप। डिस्क्लेमेंट उसको कोई मतलब नहीं होता है, अवॉइडेंस जो इन चीज़ों को काफ़ी अवॉइड करता है। आई मीन आप जो भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं आप उस पर रेफरेंस की तलाश में रहते हैं। प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप ये होते हैं। सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप कौन कौन सा होता है? फैमिली, पर्सनल फैक्टर, एज एंड लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, लाइफ स्टाइल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। फैमिली, आपकी आपका जो परिवार है वो जो प्रोडक्ट को आपको रेफरेंस करता है, आप कई बार उसको प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर्सनल फैक्टर, मेरे को चावल पसंद है ज़्यादा। अब चावल में मेरे को अगर अरवा चावल या बासमती चावल पसंद है तो आई वुड बी गोइंग थ्रू द बासमती चावल और अरवा चावल, जो मेरा प्रेफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस यू गो एंड सेलेक्ट द प्रोडक्ट। थर्ड इज एज एंड लाइफ साइकिल। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति कोई हैट खरीद रहा है, कोई फैशनेबल चश्मा खरीद रहा है, इफ इज फ्रॉम मिडिल क्लास, तो लोग उस पर हंसते हैं। या अगर कोई हायर क्लास का, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा घटेगा आपका लाइफ स्टाइल, लाइफ साइकिल अगर बढ़ेगा घटेगा तो आपके प्रोडक्ट को परचेस करने का एक टेम्पर भी घटे बढ़ेगा, उसका एक साइकोलॉजिकल चेंजेस आएगा, आपके नीड बदलेंगे। जैसे एक टीन एज में होते हैं तो आपकी किसी खास प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्शन होती है, थोड़ा और बड़े होते हैं तो आपका अट्रैक्शन उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है, और बड़े होते हैं बूढ़े होते हैं तो आपका प्रोडक्ट का प्रेफरेंसेस में शिफ्टिंग होने लगता है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेज। मैं जिस तरीके का काम कर रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जैसा है, उसके हिसाब से भी मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरीके के प्रोडक्ट को खरीदूँ जो प्रोडक्ट मेरे फाइनेंशियल नीड को फुलफिल कर सके, मेरे ऑक्यूपेशनल मेरे काम को सूट कर सके। लाइक इफ आई एम एन ऑफिस गोइंग पर्सन और मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मेरे को 5 कप पैंट लेना है, तो 5 पैंट में मैं 3 जीन्स नहीं लूंगा या 4 जीन्स नहीं लूंगा। आई वुड बी गोइंग थ्रू द 4 formal trousers and 1 jeans. So this is the combination what we prefer in formal, occupational and financial status. Next, lifestyle. मेरी lifestyle जैसी है, I'll go to buy the product as per my lifestyle cycle, as per my lifestyle, as per my wish, choices, preferences. Last, psychological factor. Psychological factor में 3 factor होते हैं। पहला motivational, दूसरा perception, तीसरा beliefs and attitude. Motivational factor किसी खास प्रोडक्ट से, किसी खास तरीके के प्रोडक्ट से अगर मैं मोटिवेट होता हूँ, मुझको अच्छा फील गुड वाली फीलिंग आती है। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी खास जगह पे जाकर के, किसी खास दुकान में जाकर के, या किसी खास कलर को देख के, किसी खास प्रोडक्ट को देख करके आपको दिल में थोड़ी पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है। सो दैट इज कॉल्ड अ मोटिवेशनल फैक्टर। नेक्स्ट परसेप्शन, मैंने सोच लिया यार ये प्रोडक्ट तो सही नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है, या एक मेरा माइंडसेट है कि नहीं यार एक बार मैंने धोखा खाया है, अब मेरे माइंडसेट लाइक मैं अगर किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के पास गया और मैंने उस मोबाइल के लिए 5,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये दिए, अब 50,000 के मोबाइल पे मेरे को वो 3 महीने में वो खराब हो गया। व्हेन आई विजिटेड टू सर्विस सेंटर दे आस्क्ड मी यू नीड टू पे 3,000 एक्स्ट्रा फॉर सर्विसिंग। अब मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बैठ चुका है कि येस इफ आई विल बी बाइंग इट दिस प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कस्टमर का परसेप्शन चेंज करने के लिए सर्विस वाले हों या सेल्स वाली टीम हों, वो कोशिश करती है कि कस्टमर का परसेप्शन किसी भी प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव ना बने। बिलीव्स एंड एटीट्यूड। बिलीव्स और एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जैसा विश्वास हो, आपको जैसा एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट पसंद आता है। एक छोटी सी चीज़ उसके बाद मैं वाइंड अप करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट यू विल बी फाइंडिंग इट सून इन नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल, दैट विल बी different rule of assumption of by people and buying decision process, consumer का buying decision process क्या होता है। buying decision पे मैं थोड़ा सा discuss कर लेता हूँ, then we'll be winding up. buying decision is making selection of the goods which you need or you go through the option, making selection of the goods which you need from 2 or multiple options, this is called buying decision. buying role, personal organization or group of person play
इन परचेजिंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट. पर्सनल बाइंग एक जो इंसान होता है वो उस पर खेलता है, बाइंग पे एंड परचेजिंग पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है. दिस इज कॉल्ड, दिस इज डायनेमिक इन नेचर. दिस शुड मैच्योर्ड ट्रेडर शुड हैव एन आइडिया अबाउट द बाइंग एंड इट्स गोल विच पीपल अज्यूम. उसको मार्केटर को पता होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टूडे. You will be shortly finding the another video of this one, that is different role of role assumed by people and buying decision process. So see you in next video. Stay tuned. Thank you.